राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं मल्लिका साराभाई, जो कि मशहूर कोरियोग्राफर, डांसर, मशहूर एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई एक जानी मानी अभिनेत्री, नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अस्सी के उत्तरार्ध में पीटर ब्रुक ने जब महाभारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां शुरू की तो वो भारत की अकेली कलाकार थी जो इसके लिए चुनी गई। बचपन से ही उन्हें बराबरी, न्याय और आत्मसम्मान के लिए लड़ने का माहौल मिला। यही शुरुआती प्रेरणाएं आज भी उनको राह दिखाती हैं। स्वागत है मल्लिका प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत। मल्लिका, हमको ये बताइए कि डांसर कोरियोग्राफर से हुआ जो सफर था शुरू, वो सोशल एक्टिविस्ट तक पहुंचा और अब आप प्राइमरली एक सोशल एक्टिविस्ट होकर रह गई हैं, क्या कहती हैं आप? गलत फहमी है आपकी। सोशल एक्टिविस्ट हमेशा थी। छोटी थी तब मुझे याद है स्कूल में अपनी प्रिंसिपल, जो मेरी बुआ भी थी, उनके खिलाफ धरना करके बैठती थी बाहर अगर कुछ लगे गलत हो तो। मेरे पापा बहुत अम्यूज़ हो जाते थे, कहते थे कि दोनों परिवार के जीन्स बिल्कुल घुस गए हैं इस लड़की में, तो अभी से ये प्रोटेस्ट करती है। जब तक पीटर ब्रुक का महाभारत करने में गई नहीं 1984 में, तब तक एक तरफ एक्टिविस्ट थी, लो लेवल लेकिन एक्टिविस्ट थी, और दूसरी तरफ परफॉर्मर थी। द्रौपदी करने के बाद 5 साल तक बहुत अलग अलग देशों में, पहले फ्रेंच में, बाद में अंग्रेज़ी में किया, फिल्म की, टेलीविज़न सीरियल किया उसका, तब रियलाइजेशन हुआ कि एक्टिविज्म के लिए कला जैसी और कोई भाषा है नहीं। तो गई थी दो अलग चीज़, वापस आई तो ये निट हो गया था। तो आपको लगता है कि कला का जो पारंपरिक रूप था वो नए सवालों को, समाज के जो नए तनाव हैं उनको एड्रेस कर पाने में कहीं नाकाम हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे डांसर्स के लिए भरत का नाट्य शास्त्र हमारा एक मुख्य शास्त्र है और उसमें 1100-1200 पन्ने तक रूल्स दिए हैं, आंखें कैसे करने की, इस तरह का पेड़ दिखाना हो तो मुद्रा क्या होती है, अट्टहास्य हो तो कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स। और बाद में अंत में लिखा है ये सब टूल्स है, आपके जो विचार है और आपकी जहाँ इमेजिनेशन है वहाँ उसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमने इसको एक रिजिड फॉर्म बनाकर रख दिया था। 1963 में अम्मा जब अहमदाबाद में सेटल हो गई थी, वो आधी मलयाली आधी तमिल है, भरतनाट्यम सबसे पहले नॉर्थ इंडिया वही ले आई थी, तब अम्मा 1963 में गुजराती भाषा सीख रही थी और उनके शिक्षक ने किताबों के बजाय उनको न्यूज़पेपर्स पढ़ना सिखाया था, तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ना शुरू किया। तब दो तीन दिन के बाद ऐसे न्यूज़ आइटम्स आती थी कि काठियावाड़ में एक और नई परिणित स्त्री ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली, तो वो समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है। तब उन्होंने कुछ लिटरेचर फ्रेंड्स थे, उमाशंकर जोशी, जयंती देसाई वगैरह, उनसे कहा कि ये क्या है ये फिनोमिनन, तो उन्होंने कहा कि ये डाउरी के कारण है कि जब डाउरी के डिमांड्स इतने बढ़ जाते हैं और जब लड़की को लगता है कि अपने पेरेंट्स ये नहीं फुलफिल कर पाते हैं और टॉर्चर इतना बढ़ जाता है, तब वो खुदकुशी कर लेती है। तो अम्मा बहुत शॉक हो गई और पहली बार भरतनाट्यम के 2000 साल की हिस्ट्री में अम्मा ने भरतनाट्यम को लेकर, श्रृंगार को छोड़कर, क्रुएल्टी और वायलेंस के बारे में एक पीस क्रिएट किया जिसका नाम था मेमोरी इज अ फ्रैगमेंट ऑफ इटर्निटी। और शायद उसी परफॉर्मेंस के बाद पंडित नेहरू ने एक इंक्वायरी कमीशन पहली बार, दैट्स करेक्ट, और पहली बार जो हम आज डाउरी डेथ्स कहते हैं वो लव्स भी उसी वक्त उस वाइट पेपर के बाद कॉइन हुए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि बहुत चेंजेस ला सकते हैं हम
भरतनाट्यम को लेकर भी। अच्छा, अम्मा के बारे में ही अगर बात करें, मृणालिनी साराभाई जी के बारे में, कि उनके भी दिमाग में इस 2000 साल की इस परंपरा में इस नएपन को डालने की कहां से बात दिमाग में आई होगी? अम्मा ये कहती है दैट शी वॉमिट्स आउट वॉट एवर इज इन हर हेड थ्रू हर डांस। बाद में उन्हें एनवायरमेंट के बारे में बहुत कुछ किया, भरतनाट्यम और कथकली को लेकर, वायलेंस के बारे में किया काम। भरतनाट्यम हमेशा तमिल, तेलुगु या संस्कृत में किया जाता था। भाषा बहुत प्राथमिक थी, नैरेटिव बहुत प्राथमिक था, संगीत बहुत प्राथमिक था। और मेमोरी में उनको लगा कि मुझे सिर्फ तमिल जो समझते हैं उनके लिए ये नहीं करना है। इसलिए उन्होंने जो भरतनाट्यम के बोल है, तदिंगिन तोम तक किट्टा तक दिंगिन तक किट्टा ताम ता, ये है, उसकी उन्होंने भाषा बना ली। तो उसमें कोई भाषा नहीं है, लेकिन बोल एक भाषा बन जाती है। जैसे जब सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ आते हैं, तब वो ऐसे आते हैं, झम तम तक दिमी तक उचारी तक उदरी कर, और वो गॉसिप करते हैं। एक तो ये लगता है कि जिस तरह आपकी माँ ने एक चली आ रही परिपाटी को तोड़ा, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप भी बहुत सारी चली आ रही परिपाटियों को से छेड़छाड़ करती हैं, चीज़ों को अलग तरह से कैसे देखा जाए इसकी कोशिश करती हैं। थोड़ा पीछे जाकर अगर देखें तो इसके बीज आपकी ज़िंदगी में कहाँ मौजूद होंगे, कहाँ से ये शुरुआत होती है? मुझे लगता है खून में है, सबका खून जग उठता नहीं है, लेकिन खून में ज़रूर है। मैं जब बहुत छोटी थी तब से अक्सर डाइनिंग टेबल पे ये बात होती है कि मृदुला बुआ जेल में है, लक्ष्मी मासी को किसी ने अरेस्ट कर लिया, तो मालूम तो था कि ये लोग सोशल जस्टिस के लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पारंपरिक कहानियाँ भी मेरी नानी की, मेरी परनानी की यही थी, मेरी दादी की, कि भाई आधे बच्चे कहीं जेल में पैदा हो रहे हैं, गांधी जी के साथ जेल में चले गए, गांधी जी के साथ फास्ट में बैठ गए वगैरह। तो सबसे पहली वैल्यू शायद ये सीखी कि अगर एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हुई हूँ तो वो प्रिविलेज लोगों के लिए इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मस्ट हैव समहाउ बीन इन माय माइंड। इट वाज नेवर, ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि वन डे इट चेंज्ड। एज आई टोल्ड यू, स्कूल में भी अगर मुझे लगता कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो मैं इमीडिएटली एक स्टैंड लेती थी। कॉलेज में यही हुआ, हमेशा स्टैंड लेती रही और कभी अपने बारे में नहीं हुआ, लेकिन देखती थी कि फॉर इंस्टेंस अ मेड ऑफ माइन, शायद मैं 15 साल की थी, मेड ऑफ माइन वुड कम बीटन अप बाय हर हस्बैंड, तो आई वुड गेट द हस्बैंड देयर, आई वुड गेट माई मदर टू टॉक टू हिम, आई वुड गेट अदर पीपल टू टॉक टू हिम। मेरा एक परफॉर्मेंस है सीता की बेटियाँ करके, शायद मैंने 600 से ज़्यादा बार उसको परफॉर्म किया है, थिएटर्स में किया है, व्हाइट हाउस में किया है, गाँवों में किया है, पेड़ के नीचे किया है। ऐसी डिज़ाइन ही ऐसी थी कि कहीं पर भी कर सके, प्राइमरीली वुमेन्स इशूज़ के बारे में है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट सुनी है और मुझे लगा हमें आपस में ही निपट लेना चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी के लिए खतरा है। क्यों, क्या समझती है तू? उसने देख लिया मैं डर गई हूं। अचानक उसका हाथ मेरे कंधे पे आया, मैं बर्फ से चढ़ गई, न विरोध कर सकी, न संघर्ष, न चिल्ला सकी, न उसे धकेल सकी। अगर इसके बारे में तुमने किसी से कहा तो तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। मेरे मन का एक भाग कहने लगा मैं क्यों रो रही हूं,
हजारों औरतों के साथ होता है, मैं क्यों चुप नहीं रह सकती, बोल क्यों नहीं जा सकती? लेकिन मन का एक नया भाग कहने लगा, क्यों? मैं दोषी नहीं हूं, मेरे साथ दोष हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। मैं शांत नहीं रहूंगी, मुझे न्याय चाहिए। गुजरात में हमारा एक प्रेग्नेंट औरतों के लिए सातवें महीने में श्रीमंत करके हम एक फेस्टिवल करते हैं, जिसके बाद वो अपने माँ के घर चली जाती है। तो गुजरात के गांवों में श्रीमंत के गाने जो होते हैं उनको लेकर, उनके लव्स चेंज करके, प्रीनेटल और एंटीनेटल केयर के इंफॉर्मेशन उसमें डाल के हमने बहुत से गांवों में उसको पारंपरिक गाने बना दिए हैं। जैसे लव्स मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन फॉर इंस्टेंस गाने में ऐसा होता है कि तू अभी घर जाएगी, तेरी माँ तुझे बहुत अच्छे रखेंगे, लाडली एक बच्ची का जन्म होगा वगैरह। तो हम कहते हैं कि पालक खाना चाहिए, पालक से दूध बढ़ता है, बच्चे को दूध ही पिलाना चाहिए, इससे उसकी सेहत बढ़ती है वगैरह। तो 5 साल के बाद आज जो महिलाएँ श्रीमंत करती है वो तो शायद भूल ही गई है कि एक ज़माने में गाने कुछ और थे। फिल्मों में जो आपका वक्त गुजरा, ख़ासतौर पर मुझे मालूम नहीं है कि गुजराती फिल्मों में आपने क्या किया, लेकिन हिंदी फिल्मों में तो हमने आपको देखा। तो फिल्मों से लौटने के बाद फिर फिल्मों की तरफ वापसी का दिल नहीं किया? काश आज मुझे कोई अच्छा रोल दे दे, फिल्म इतनी बदल गई है और आज इंडिपेंडेंट फिल्में इतनी मज़े की बन रही है कि आई वुड लव टू एक्ट अगेन। मेरी सबसे पहली 3 फिल्म जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई, वो बहुत चैलेंजिंग थी। मैं 15 साल की थी जब मैंने पहली फिल्म सोनल की थी, उसमें इंसेस्ट का मामला है, और आप सोचिए late 70s में इंसेस्ट के बारे में हिंदी फिल्म बनना। कौन बना रहे थे? प्रभात मुखर्जी, बंगाली यूनिट था, बहुत अम्मा के दोस्त थे, बहुत बंगाली सेंसिबिलिटी का यूनिट था, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मुट्ठी भर चावल किया, वो किस इशू पे था? वो था गरीब लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूशन में बिक जाती है उसके बारे में। आप एक्टिविज्म की बात करते हैं, मेरी 3 पहली फिल्म पहली थी इंसेस्ट के बारे में, दूसरी थी यंग प्रोस्टिट्यूशन ड्यू टू पॉवर्टी के बारे में, तीसरी थी सिंगल मदरहुड के बारे में। एक लड़की है जो एक लॉयर के फैमिली में, कलंकिनी नाम था, लड़की है जो एक लॉयर के फैमिली में बड़ी हो रही है, एंड शी सीज हर फादर हैविंग अफेयर्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर, और माँ को पूछती है आप छोड़ के चले क्यों नहीं जाते, और माँ कहती है क्योंकि आप लोग हो, मैं माँ पहले रहूँगी और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों की ज़िंदगी बिगड़ जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होंगे आपको अच्छी स्कूल में। तो शी ग्रोज अप थिंकिंग कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बच्चा चाहिए। सो द रोल टेक्स मी फ्रॉम द एज ऑफ 14 टू द एज ऑफ 55। वेरी चैलेंजिंग पहली 3 फिल्म, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला, अवार्ड्स मिले। मुट्ठी भर चावल में बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स अवार्ड मिला, कलंकिनी में मिला, कलंकिनी भी प्रभात मुखर्जी ने की थी। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई मैं आईआईएम में थी तब तक, 18 साल की थी आईआईएम में थी, तब उन्होंने कहा कि देखिए प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहा है सुनील दत्त के साथ, और सुनील दत्त और नरगिस जी आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दे'ल फील सेफ और यू मस्ट डू इट। मैंने कहा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं कर रही है, हिमालय से ऊँचा। बहुत ही ख़राब, इतने लोग ने मुझ पर पास करने की कोशिश की, कोई कुछ कहता था, आई वॉज़ वेरी इनोसेंट। कश्मीर में 17,000 feet पे हम शूट कर रहे थे, लोकेशन पे मुझे भूल के, मैं कपड़े बदलने गई तो एक छोटी सी कैबिन थी वहाँ भूल के वो लोग गुलमर्ग चले गए। 4 घंटे के बाद मालूम हुआ कि अरे मल्लिका कहाँ है, मल्लिका तो वहाँ छोड़ गई। तो मुझे उसके कारण मुझे रूमेटिक हार्ट हो गया। इट वॉज़ अ हॉरेबल एक्सपीरियंस और बड़ी बकवास फील थी। मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का दत्त साहब आपकी तो ये पोती लगती है, तो मेरा पूरा रोल ही कट गया। उसके बाद मुझे हेरा फेरी ऑफर की गई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ, अगेन सत्यदेव सेड नहीं, ऑल योर एक्सपीरियंसेस वोंट बी बैड एंड आफ्टर ऑल दे आर बिग स्टार्स एटसेट्रा। जीना तमान और मैं, अमिताभ और विनोद खन्ना। पहला दिन शूटिंग का हम बांद्रा की कुछ अर्ध बनी इमारत के 10वें माल पे शूट कर रहे थे, गाना था विनोद खन्ना के साथ, तो एक इतना मोटा एक डांस डायरेक्टर बैठा था, लुक लाइक अ फ्रॉग ऐसा। तो गाना शुरू हुआ तो उसने कट कर दिया, रीटेक।
फिर रीटेक, तीसरा रीटेक। तो मैंने जाके उनसे कहा कि आप क्यों रीटेक करवाते हैं, तीनों में लिपसिंग परफेक्ट थी। तो ऐसे बैठ के मुझे कहते हैं छाती का डांस करो। मैं पास में खाली कुर्सी थी, मैंने कुर्सी ली, उनके सर पे मारी और हिंदी फिल्म से मैं निकल गई। अच्छा। उसके बाद 1980 में मैंने सई परांजपे के साथ कथा की। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ मेरा बॉस किस कदर खुश नसीब है। बड़े ठीक हैं आप। नाराजगी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, कमबख्त ये बोल रही है। 1984 में बासुदा के साथ शीशा किया, स्टोरी ऑफ अ वुमन रेप्ड बाय हर बॉस मिथुन चक्रवर्ती, एंड शी टेक्स हिम टू कोर्ट, शी सेज आई विल नॉट बी रूल्ड बाय यू, आई यू नो यू हैव रेप्ड मी, आई विल टेक यू टू कोर्ट, और पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है, और जज को खरीद लेता है वो, और एंड में वो अपनी बीबी के साथ ऐसे बड़े, एंड शी स्टॉप्स द कार एंड शी लुक्स एट हिम एंड शी सेज आई विल नो एंड यू विल नो दैट यू रेप्ड मी, इट डजंट मैटर इफ नोबडी एल्स नोस। तो तब से फिल्में भी ऐसे ही करती हूँ, मेरे सब सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही। ये तो नारी यहाँ तेरे है, तुझे झुकते झुकते रमित है। 1976 से 1980 बहुत फिल्में की गुजरात, बड़ा मज़ा आता था। छोटा सा छोटी सी इंडस्ट्री थी, एक बहुत पारिवारिक तरीके से फिल्में बनती थी, गंदापन नहीं था, ये स्लीपिंग विद पीपल वैसा कुछ था नहीं, वैसा होने लगा तब मैं निकल गई। पीटर ब्रुक के महाभारत का वो जो दौर है वो बहुत चमकदार दौर है और हर कोई उसके बारे में बात किया करता था। आपका लंबा एसोसिएशन रहा पीटर ब्रुक के इस महाभारत के साथ। मैं अकेली हिंदुस्तानी थी वहाँ, वहाँ जो भी एक्टर्स थे वो अपने देश के बड़े खां एक्टर्स थे। एक थोड़ी सी रिजेंटमेंट थी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पीटर ने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि मैं हिंदुस्तानी थी और मैं काफ़ी आर्टिकुलेट थी, लेकिन उन दोनों चीज़ से वो दुखी भी थे क्योंकि मैं उनके इंटरप्रिटेशन के साथ आर्ग्यू करती थी। Someone is laughing at us. What are you saying? A magician makes us blind. He's torturing us. I was dragged in front of all the men clothed in a single robe stained in my own blood. The sight of a woman made men laugh. My husbands were there. I needed their aid and Duryodhana is still alive. Adversaries the, lekin bahut jaldi malum ho gaya ki Mahabharat ka unka jo experiment tha वो बगैर मेरे नहीं होता जैसे हुआ। मैं बहुत अनकॉन्फिडेंट हो गई थी क्योंकि फ्रेंच में करना था, मैं फ्रेंच बोलती नहीं थी, मुझे फ्रेंच सीखना पड़ा, मैं अकेली थी जो फ्रेंच नहीं बोलती थी, और 12 घंटे का प्रोडक्शन था, 5 पुरुषों के साथ कॉन्स्टेंटली बात करनी थी फ्रेंच में। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग होते गए और लोग, मैं देखती थी ख़ास तौर पे औरतें कैसे रिएक्ट करती थी मेरे द्रौपदी के इंटरप्रिटेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एंड देन वी केम इनटू अ लवली रिलेशनशिप। आई हैव अनदर क्वेश्चन, यू आर जस्ट, यू ओनली स्पीक वर्ड्स ऑफ ट्रूथ, हाउ डिड द आइडिया ऑफ द गेम टेक होल्ड ऑफ यू, हाउ डिड यू अग्री टू प्ले टू लूज एवरीथिंग, योर ब्रदर्स, योर वाइफ, युधिष्ठिर, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मैं एक चीज कहूँ कि आज मैं जो भी स्टेज क्राफ्ट करती हूँ वो उस 5 साल के दरमियान डेवलप हुआ, क्योंकि ही क्रश्ड मी टू सच अ लेवल दैट आई हैड टू फाइट फॉर एवरी बिलीफ ऑफ माइन एंड आई हैड टू आर्ग्यू एवरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द्रौपदी। आपने 20-25 साल का एक जिक्र किया, ये 20-25 साल क्या हैं जिनमें आप देखती हैं कि बहुत खास कुछ? ग्लोबलाइजेशन के साथ ग्रीड हमारा एक ही देव बन गया है और कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन उस देवता को फीड करता है। उसके बाद
जो पॉवर्टी का इंक्रीज हुआ है, जो इनकम डिस्पैरिटीज इंक्रीज हुए हैं, जो फार्मर्स की परिस्थिति है, जो फिशर फोक की परिस्थिति है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस पूरे दरिया में जा रहे हैं, नदियों में जा रहा है, सब फिश मरीन लाइफ मर रही है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड बैंक व्यू द IMF व्यू इज अबाउट विक्टरी एंड डिफीट. दैट इज अ मेल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. दैट इज वाई इन इंडस्ट्री वी से वी हैव कैप्चर्ड नेचर. और हम आज देख रहे हैं कि ये कैप्चरिंग नेचर का हमें नतीजा क्या मिला. नेचर जो आंसर कर रही है हमें, वो हमें मिल. बट दिस इज द सेम मेंटेलिटी कि अगर मैं जीतूं तो आपको हारना ही होगा, अगर इंडस्ट्री जीते तो लोगों को गरीब होना ही होगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद आवर सोसाइटी, इफ नॉट ऑल, इज बिकॉज ऑफ ऑल द मेंटेलिटीज दैट ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स. मैं कभी कभी सोचता हूँ जब आप इस तरह चीज़ों को सोचती और डिपिक्ट करती हैं, खासतौर पर ग्लोबलाइजेशन के ये जो फॉल आउट्स हैं उसके बारे में जितनी क्लैरिटी से आप बातें करती हैं, ये कैसे हो पाता होगा कि एक क्लासिकल डांसर और अपने आइवरी टावर में रहने वाला वो ये कैसे कह सकता है कि डिस्पैरिटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ के साथ लोग गरीब होते जा रहे हैं, एक डिवॉइड बढ़ रहा है, कैसे आपको ये सब बातें पता चलती हैं? मतलब मैं एक क्लासिकल डांसर, आपका मतलब है एक सिर्फ क्लासिकल डांसर कैसे सोच रही. आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वुमन लिविंग इन द 21st सेंचुरी. मेरे आँख खुली है, मेरे कान खुले हैं, मेरी सेंसिबिलिटीज खुली है, मेरा मन अक्सर नई नई चीज़ें पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, इम्बाइब कर रहा है, फील कर रहा है. मैं कोई भी टावर में नहीं रहती हूँ, आइवरी टावर में तो नहीं ही. मेरे फैमिली का बैकग्राउंड वैसा नहीं है. मुझे हमेशा ये कहा गया कि देखो औरों को क्या हो रहा है, लुक अराउंड यू, कीप योर एंटेना ओपन एंड ट्राई एंड एम्पथाइज विद देम, ट्राई एंड फील व्हाट दे फील, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो आई वाज नेवर इन एन आइवरी टावर, नॉर वाज एनीबॉडी एल्स इन माय फैमिली. 2002 में मैं तारा नाम की गुजराती चैनल, जो एक्टिविस्ट चैनल के नाते जन्म जिसने लिया था, उसकी मैं CEO थी. Unfortunately, we closed shop on the 27th of February 2002. अगर तारा जिंदा होता तो गोधरा का जो रिपोर्टिंग हुआ उस वक्त और इन सालों में वो एक बहुत अलग तरीके का रिपोर्टिंग होता और दुनिया को एक बहुत दूसरा सत्य देखने को मिलता. वो कौन सा सत्य है जो आपने देखा और हम नहीं जानते? या देखिए, शाइनिंग गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात ही ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन वो शाइनिंग गुजरात कितना स्किन डीप है. आप मानते हैं कि नर्मदा के पानी ने गुजरात को फर्टाइल कर दिया. नर्मदा का 6% का पानी लोगों को मिलता है, 94% इंडस्ट्री को जाता है. लोग कहते हैं गुजरात में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, सही है, लेकिन खेत में मशीन चलाने जितने, पंप चलाने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सब इंडस्ट्री को जा रही है. अब स्टेट इंडस्ट्री के लिए है या स्टेट लोगों के लिए है? गुजरात में लिटरेसी रेट्स गिरा है, गुजरात में सेक्स रेशियो गिरा है, लेकिन हम तो दुनिया भर के ड्रामा ही देखते हैं, इसलिए आपको एक बहुत गलत फहमी है गुजरात की. मल्लिका जी, डांस का जो सीन है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, उसमें क्या कहना चाहेंगी आप नए एस्पायरेंट्स को? दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू वेरी हार्ड वर्क कॉन्स्टेंटली. Thank you very much, Mallika.